जयशंकर साहब से इस विजिट के बारे में बीबीसी ने एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा हम इस वक्त बात करेंगे भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं बीबीसी के जर्नलिस्ट ने यह पूछा

embracing each other it may not be part of your culture but i assure you it's part of ours. us डॉक्टर जयशंकर का जाना तो लाज़मी है वो तो जाते ही हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ लेकिन अब ये पता लग रहा है कि अजीत डोवाल साहब भी उनके साथ हैं दुनिया में किसी भाई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो मुल्क तबाह तो हो रहा हो

बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रहेंगे रूस ना ना तो कोई ना ही कोई छोटा ही बड़ा हमला किसी भी किस्म का हमला जो है यूक्रेन पे नहीं करेगा सिर्फ भारत एक ऐसा पावर है दुनिया का जो कह रहा है कि यार देखो सुनो हमारी तुमसे भी दोस्ती तुमसे भी दोस्ती आ जाओ हम करवाते हैं तुम्हारी मीटिंग यार तुम बैठो तुम बैठो और शांति की बात करो यार से और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं चाहे उसमें आप कनाडा यूके वेरियस कंट्रीज काउंट कर लीजिए ये देश बहुत ही खुश हैं कि पीएम मोदी फाइनली पुतिन से गले मिलने के बाद ज़ेलेंस्की से मिलने गए हैं यूक्रेन में इस विजिट को आप देखोगे अमेरिकन मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है सीएनएन बीबीसी वगैरह सब लोग इस पर कवर कर रहे हैं और ऑल्दो बीबीसी यूके का मीडिया है जयशंकर साहब से इस विजिट के बारे में बीबीसी ने एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा बीबीसी के जर्नलिस्ट ने यह पूछा कि मोदी जी ठीक है से 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 मिलने के लिए लिए, जा रहे अच्छी बात है, मगर पुतिन पुतिन आखिर वो वो गले गले मिले ही क्यों थे? दृश्य इतना अजीब सा था कि मिल ऐसा क्यों हुआ था तो जयशंकर साहब ने यह जवाब दिया है वेस्टर्न मीडिया को प्राइम मिनिस्टर Of peace. Thank you. Regarding uh, your question, you know, in our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. Uh, so, in fact, today I think I saw the Prime Minister also embrace President Zelensky, and I've seen him do it with a number of other leaders in a number of other places. Uh, so, I think perhaps we have a uh, slightly cultural uh, a, a gap here in terms of uh, what uh, these courtesies mean uh, in terms of uh, uh, you know what you asked about the oil issue. look uh, you know India is a big oil consumer it 's a big oil importer because we don 't have oil now it's not like there's a political strategy to buy oil. there is a oil strategy to buy oil. there's a market strategy to buy oil. so uh, the figures of where we get our oil imports go up and down. it depends on the state of the market. but it would definitely, i think, the fact that the market is tight, that today big suppliers like iran and venezuela, who used to supply in india, uh, are, uh, uh, are constrained. Uh, from operating freely in the markets, I think is a factor which which needs to be taken into account. Uh, regarding uh, you know the conversation uh, between the prime minister and President Zelensky, I think it was a perfectly convivial conversation. I think it was very constructive. I think there was a lot that we said which he heard with a great deal of attention. Uh, he knows that uh, we mean uh, well by Ukraine. Uh, he knows that. you you know know we are uh, uh, today uh, uh, you know, very very keen that this conflict should come to an end तो पर देखिए जयशंकर साहब ने एक बहुत ही क्लियर आंसर दिया है वेस्टर्न मीडिया को कि जो लोग बहुत ज़रा गुस्सा है या फिर अपसेट है कि पीएम मोदी ने व्लादिमिर पुतिन को गले क्यों लगाया वो समझ लीजिए ये हमारे कल्चर का पार्ट है हमारे यहाँ गले मिलना आम बात होती है जब लोग मिलते हैं इसका कुछ ये मतलब नहीं है कि हम आपको एम्ब्रेस कर रहे हैं वगैरह आप समझिए कल्चरल एस्पेक्ट यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इंडिया ने देखिए अपना स्टांस रखा है कहीं भी हमने ये नहीं बोला कि व्लादिमिर पुतिन के साथ जो मीटिंग थी उसको हम रिग्रेट करते हैं वो नहीं होनी चाहिए थी अपना स्टांस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों दो तीन बातें हैं इस पूरे मैटर में मुझे ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले जा रहे होंगे अकेले इन द सेंस कि इज गोइंग एंड ऑब्वियसली सौ दो सौ लोग जो जाते हैं प्रधानमंत्री के साथ वो भी होंगे और डॉक्टर जयशंकर का जाना तो लाजमी है वो तो जाते ही हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ लेकिन अब ये पता लग रहा है कि अजीत डोवाल साहब भी उनके साथ हैं ये डोवाल साहब को ले जाने का क्या मतलब है जरा इसको छोटा सा मैं एनालिसिस आपको दे देता हूं देखिए बात यह है कि पूरे जब हम सिक्योरिटी का सेनारियो, जब ये सिक्योरिटी का सीनैरियो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सामने रखेंगे राइट तो प्रधानमंत्री मोदी के पास दो ऐसे होने चाहिए लोग जो एक समझाएं फॉरेन पॉलिसी और एक समझाएं सिक्योरिटी पॉलिसी मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया चा, चाहे वो मोदी जी हो चाहे जयशंकर साहब हो चाहे डोवाल साहब हो ये तीनों बैठ के एक और चीज जेलेंसकी को बताएंगे कि देखो वेस्ट वाले खुद अपने बंदे नहीं डाल रहे वेस्ट वाले जो हैं ये अपने बंदे नहीं डाल रहे ये अपने फौजी नहीं डाल रहे हां ये तुम्हें पैसे दे रहे हैं लेकिन वो पैसे तुम्हारे पास बहुत कम आ रहे हैं सिर्फ फाइव परसेंट या टेन परसेंट असली में पैसे कहां जा रहे हैं वो वापस जा रहे हैं अमेरिकन कॉर्पोरेशन के पास वो जा रहे हैं अमेरिकन आर्म्स मैनुफैक्चर के पास वो तुम्हारी जेब में थोड़ा ना आ रहे हैं उससे तुम्हारा देश थोड़ा ना आगे आगे बढ़ने वाला है ठीक है तुम्हारे कुछ नेताओं ने पैसे खा लिए तुम्हारे कुछ लोगों ने करप्शन कर लिया ठीक है इन दी एंड तुम्हारा पूरा देश जो है पुटिन ना पार्किंग लॉट बना देगा व्लाडिमिर पुटिन विल टर्न यूक्रेन इन टू पार्किंग लॉट अगर ये लड़ाई और ज्यादा चलती रही अभी उसने सारे घोड़े खोले नहीं है लोग बहुत बड़ी गलत फेमी में है कि पुटिन को पता नहीं है मोमेंटम लॉस्ट हो गया भाई देखो उसको मैसेज पास पास करना था उसने पास कर दिया अगर को और कुछ करना पड़ा पुटिन के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि यूक्रेन को सांप सूंघ जाएगा रियल बात यह थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए और सबसे बड़ी बात चौधरी मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में यह हिम्मत है कि जिस मुल्क मुल्क में जंग चल रही हो मुलक तो हो हो तबाह रहा और उस मुल्क में किसी मुल्क का वजीर आजम जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं अरे यार ये छोड़ो मैं पाकिस्तान के वजर आजम की बात करता हूँ फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है पाकिस्तान के वजी आजम फलस्तीन जा सकते हैं मुसलमान कंट्री है भाईजन वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है

फलस्तीन में गया वहां पे जाके कोई स्पीच की हो उनके साथ खड़े हो और ये ये छोटी बात नहीं होती कि रशिया और यूक्रेन दोनों के दरमियान जंग चल रही है वो रशिया भी गए और यूक्रेन भी गए हम कहते हैं डेमोक्रेसी दे दो यहां सपोर्ट करते हैं डिक्टेटर्स को हम कहते हैं कि वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हम भी चाहते हैं अमेरिका सेंक्शन लगाना शुरू कर देता है